दुर्ग जिले में कार्यरत मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के सदस्यों ने दुर्ग में गांधी चौक के समीप दिया धरना, अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर की जमकर नारेबाजी। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर दुर्ग जिले में कार्यरत मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के सदस्यों ने गांधी चौक के समीप एक दिवसीय धरना दिया और केंद्र व प्रदेश सरकार से संबंधित अपनी 14 सूत्री मांग रखी, जिसकी जानकारी देते हुए दुर्ग जिला मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के सचिव विवेक सतर्के ने कहा कि उनकी मांगों में दवाओं को GST मुक्त करना, स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण बंद कर स्वास्थ्य क्षेत्र में GDP का 5% खर्च सुनिश्चित करना व दवा एवं विक्रय प्रतिनिधियों के लिए 26,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन घोषित करने सहित 14 सूत्री मांगे प्रमुख है, जिन्हें पूर्ण कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की जा रही है। इसी के अंतर्गत दुर्ग जिला मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन के दौरान दुर्ग जिला मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के सदस्य बड़ी संख्या में धरना स्थल पर मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मांगे हैं उनमें सबसे पहली मांग जो है वो लेबर लॉज जो है उसको लेबर कोड में चेंज किया है, ये मान्य नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे सारे लोगों की जो सर्विसेज है वो उसमें सुरक्षित थी और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है। दूसरी जो डिमांड है वो है कि 0 GST किया जाना चाहिए जितने भी प्रकार की दवाइयाँ हैं, क्योंकि आम आदमी की पहुँच से बाहर होती जा रही है GST लगाने के बाद। तीसरी डिमांड ये है कि जो GDP हमारी जो है उसका 5% जो है हेल्थ केयर में खर्चा करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी डिमांड है हमारी, क्योंकि यदि खर्चा नहीं करेंगे तो हेल्थ सेक्टर में जो है वो लोग खस्ता हाल होते जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी प्रकार के जो कानून बने हुए नियोक्ताओं को कंट्रोल करने के लिए, उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ये एक प्रकार की हमारी डिमांड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हमारी डिमांड ये है, क्योंकि हम लोग हाईली स्किल्ड लोग हैं, हमको जिस कैटेगरी में रखा गया है वो हाईली स्किल्ड है, तो हमारा जो वेतनमान है वो 26,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे नियोक्ता है उनके ऊपर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट जो है उसको कड़ाई से कानून लागू करवाना चाहिए, जो इस क्षेत्र में इस रीजन में, इसकी भी एक हम डिमांड करते हैं। इसके अलावा हमारे जो काम करने की जगह है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या सरकारी अस्पताल हो गया, इसमें हमको कानूनी रूप से हमको वैधता मिलनी चाहिए काम करने की। कई जगह में देखा जाता है कि लोगों को वापस कर दिया जाता है या डॉक्टर बोलते थे कि नहीं यहाँ लोग नहीं है, जबकि हम लोग जो है अथॉराइज्ड है काम करने की, तो काम करने की जगह जो है हमारी वो सुनिश्चित होनी चाहिए। काम के घंटे फिक्स होने चाहिए, 8 घंटे हम काम करते हैं जैसे कि बाकी के लोग काम करते हैं, बैंक यूनियन वगैरह, तो हमारे भी काम के घंटे फिक्स होने चाहिए। नियोक्ताओं से हमारी डिमांड ये है कि जितने भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट बने हुए हैं उनका कड़ाई से वो पालन करें। हमारी छुट्टी है या हमारे जो मेटर्निटी लीव महिलाओं को जो मिलती है वो पूरी तरह से मिलनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन जो है उनको स्वीकृति है। ये अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा है, पूरे देश में ये आज की एक दिवसीय हड़ताल की जा रही है। आगामी आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? आगामी हो सकता है अगले महीने यदि और कोई रूपरेखा हमारा ऑर्गेनाइजेशन से आती है तो 2 दिवसीय स्ट्राइक की जाएगी। अपना परिचय बताएं। मैं विवेक सतर्के हूँ, हमारी यूनियन दुर्ग का सचिव। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।